नाज़रीन, बॉलीवुड के मारूफ अदाकार इरफान खान, जो कि स्लिम डॉग मिलियन मायर और दी अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी मारूफ फिल्मों के अलावा बॉलीवुड की 100 से ज्यादा मशहूर फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, जिनकी सेहत के मुतालिक कुछ अरसे से मुख्तलिफ खबरें सरगर्म थी। अब इनके हवाले से एक और अफसोसनाक खबर आ गई है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार इरफान खान की वालदा तवील अलालत के बायस इंतकाल कर गईं। वो राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर की बीनी वाल कांता कृष्णा कॉलोनी में मुंतकीम थी। इरफान खान की वालदा सईदा बेगम का इंतकाल 95 बरस की उम्र में हुआ। वो तवील अरसे से बीमार, इनका ताल्लुक नवाब खानदान से था। वो खुद भी अच्छी शायरा थी। सईदा बेगम का ताल्लुक राजस्थान की अकलौती मुसलमान रियासत टोनक के नवाब खानदान से था। इनके अबाउजदाद 19वीं सदी से अफगानिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। नाज़रीन, भारत के मारूफ अखबार के मुताबिक इरफान खान अपनी वालदा के जनाजे में शिरकत नहीं कर पाए, क्योंकि वो मुंबई में मुकीम हैं और लॉकडाउन की वजह से जयपुर नहीं पहुंच सकेंगे। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अपनी वालदा का आखिरी दीदार किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।